नमस्कार, MHW न्यूज़ में भविष्य के डॉक्टरों का स्वागत है। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के प्रति सीरियस हो गए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वेस्ट बंगाल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा के तहत, वो कॉलेज वाइज डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ लिस्ट रह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जो है 7 कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट बताई है। अगली वीडियो में हम अगले 7 कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट को बताएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बुर्दवाना मेडिकल कॉलेज के अंदर 564 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट रह सकती है। वहीं बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 550 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट रह सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 464 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट रहने की संभावना है। एसटी के लिए भी 435 नंबर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सारोगा दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 574 नंबर पर अब की बार कट ऑफ लिस्ट जाने की संभावना है। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो 560 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट अब की बार जा सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 468 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट जाने की संभावना है। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए अब की बार 438 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट अब की बार रह सकती है। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर इतने या इससे ज़्यादा नंबर है तो आपका इन कॉलेजों में सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ लिस्ट जो है ज़्यादा जाएगी, और उसका कारण ये है कि अब की बार पिछली बार से ज़्यादा बच्चों ने पेपर एग्ज़ाम दिया था, और जो लेवल था अब की बार एग्ज़ाम का वो भी पिछली बार के मुकाबले से कम था। अगर आप बांकुरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 565 नंबर की ज़रूरत रहेगी। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो 553 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए भी 442 नंबर की ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 430 नंबर की आपको ज़रूरत रहने वाली है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और आपको एडमिशन लेने वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, हमारे जो चैनल है उस पर वो वीडियो डाली गई है। अगर आप कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 565 नंबर की ज़रूरत रहेगी। वहीं ओबीसी के लिए आपको 552 नंबर की ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। एससी कैटेगरी के लिए यह लिस्ट जो है 460 नंबर पर रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 435 नंबर तक इस बार जो है कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट रहने की संभावना है। और अब हम अपने नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या कट ऑफ लिस्ट रह सकती है। तो है हिंदापुर मेडिकल कॉलेज। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 564 नंबर की जरूरत रहेगी। वहीं अगर आप ओबीसी के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो 551 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 458 नंबर की आपको जरूरत रहेगी इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एसटी के लिए भी आपको 430 नंबर की ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब की बार जो कट ऑफ लिस्ट है वो थोड़ी हाई रहेगी वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि अब की बार पिछली बार से ज़्यादा कंपटीशन था। और अब EWS का भी कुछ कोटा आया है, उसके तहत कुछ सीटें बढ़ी है वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह से थोड़ी कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब की बार कंपटीशन और उसकी वजह से कुछ मीडियम टाइप की जो है कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है। अगर आप मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में और एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 558 नंबर की ज़रूरत रहेगी। ओबीसी के लिए 548 पर कट ऑफ लिस्ट रहने की संभावना है। एससी की बात की जाए तो 457 नंबर पर अब की बार कट ऑफ लिस्ट रहने की संभावना है। एसटी के लिए भी 433 नंबर की आपको ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज की, मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मालदा। अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 565 नंबर की जरूरत रहेगी। वहीं ओबीसी के लिए 550 नंबर, एससी के लिए 462 नंबर, एसटी के लिए 442 नंबर की ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं और किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जो दूसरे बच्चे आकर पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में किस कॉलेज का दबदबा है और किस कॉलेज के लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा कि आपके काम की उसमें क्या कौन सी जो है वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए।